पूरा दिन मेरा चला जाएगा, लेकिन वेरी सैड। हमारे घर में एक नए नए इलेक्ट्रीशियन आए हैं, तो अभी पहले नहाएंगे फिर खाना खा पाएंगे। तो भाई लड्डू को तो टाइम पे खाना देना ही पड़ेगा, कोई खाए चाहे ना खाए। Hey guys, welcome back on another vlog। और आज घर में कुछ बड़ा हो रहा है। मानसी ने एक बड़ा बीड़ा उठा लिया है, और क्या बीड़ा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये बीड़ा, इनने ये बीड़ा उठा रखा है, और इस पूरी पूरी बॉल पर लगना है वॉल पेपर। ना सिर्फ इस बॉल पर, तीन बॉल हम लोग डेकोरेट करने वाले हैं, और ये रहा हमारा वॉल पेपर। तो ये लगाएंगे, लगा के फिर दिखाते हैं आपको कैसा रहेगा। और अगर अच्छा लगता है तो इसकी लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको अगर लेना है, चेकआउट करना है तो कर सकते हो। तो आज का पूरा दिन इसी में जाने वाला। क्यों भाई, लंबा काम कर लिया है यार ये तुमने, लेकिन आपने भी करना है। हाँ हमें तो करना ही पड़ेगा, पूरा दिन मेरा चला जाएगा, लेकिन वेरी सैड। चलो लड्डू को दिखाता हूँ लड्डू क्या कर रहा है। लड्डू भाई ना ये खाना खाता नहीं है सवेरे से, मैंने इसको खाना दिया था, इसने इसमें से केवल 30 या 40% खाया होगा। और ये देखो आराम फरमाना शुरू। क्यों भाई कितना आराम करोगे, बस कहना यही तो हमें काम है, सवेरे से खेले कूदे खाए पिए और सो गए। तो कई इस काम के बीच में हमने ब्रेक लिया है नाश्ते के लिए, और नाश्ते में आज है पनीर की भुर्जी और पराठा। और ये रोल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, एक हमने लगा दिया है अभी। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो ये कैसा लग गया है, अच्छा लग रहा है, काफी सुंदर भी लग रहा है। और ये एक सुंदर चीज यहाँ पे रखी हुई है, हमने कराई थी फ्रेम। कब की है बताओ? उदयपुर की है। उदयपुर ट्रिप अच्छा था अपना, तब हम ब्लॉगिंग नहीं करते थे। ब्लॉगिंग के पहले हमने बहुत अच्छी अच्छी ट्रिप करी है, पर कहीं की ब्लॉगिंग नहीं हुई है। नैनीताल की हमने रिकॉर्डिंग करी है, लेकिन पता नहीं किसके लिए करी है, भगवान जाने। उसमें हम बोल रहे हैं आप यहाँ देख सकते हो। हाँ हम लोग ब्लॉग्स भी नहीं बनाते थे, पर उसके अभी कुछ वीडियो पड़े हैं जिसमें हम कह रहे गाइस ये देखिए। ब्लॉगिंग करते ही नहीं थे। तो फटाफट नाश्ता खत्म करते हैं, फिर वापस से लगना है यार, और तीन दीवाने करना है तीन। और लड्डू हमने खाना खिलाने के लिए ट्रिक शुरू करी है, लड्डू डॉग फूड के लिए नौटंकी करता है। तो अभी क्या, मैंने उसको स्वीट पोटैटो बहुत पसंद है, तो वो उसको एक छोटा सा टुकड़ा हिला के बाकी उसमें पूरे में मैश कर दिया, तो अब वो पूरा आराम से खा रहा है। अपने आप खाने में लगा हुआ है। चैनल का लिंक हमें भेजा था, और अभी हमसे ये कह रही है कि आपने तो सब्सक्राइब किया ही नहीं होगा। मतलब इन्हें ना इतना भरोसा है ना इन्हें यकीन है। नहीं नहीं तुमने बोली, भैया ने कुछ नहीं कहा है। भैया ने बोले नहीं, इन्हें इतना भी बिल्कुल भी इन्हें इंसान समझने नहीं आता कि कौन इनका सच में अच्छा चाहता है। अरे तो बिना सब्सक्राइब करले वीडियो थोड़े आपके पास आता होगा। तो भैया ने तो बोले कि सब्सक्राइब कर लें, तो हम बोल दिए। हमें क्या गलती, भैया से पूछिए भाई, भैया झगड़ा लगाया। भाई भाई तुमको बिना देखे हम क्या झगड़ा लगा, हमारे कुछ बात ही नहीं है। भैया ने कुछ बोली ही नहीं है। भैया ने क्या बोली? भैया ने बोला सब्सक्राइब कर लेना। चलो कोई नहीं, छोड़ो अभी इनका चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मन चली पूनम नाम से इनका चैनल है। अरे क्या बनाती है वो मैं नहीं बताऊंगा, आप ही देख लेना। सो गाइस अभी आधी दीवार कवर हो गई है, और बाकी दोनों दीवार आप लगाओ, हम नहीं लगा सकते, हम थक चुके हैं ऑलरेडी। भाई एक्सपर्टिस तो तुम्हारी है, तो आप हम कैसे लगाएंगे, गाइड करेंगे। ये जो वॉलपेपर हमें लगाया है ना, इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। एक तो ये थोड़ा सा थिक है, तो काफी इजीली अप्लाई हो रहा है, प्लस इसका जो टेक्सचर है वो भी काफी बढ़िया है। तो इसकी हाँ, तो अगर आप लोगों को भी इंटरेस्टेड हो आप इसको लेने में, तो इसकी लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग चेकआउट कर लेना, काफी अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा ये भाई। बहुत बहुत कॉस्टली भी नहीं है, मतलब हाँ नॉर्मल से थोड़ा सा कॉस्ट ऊपर है, बट इतना कॉस्टली नहीं है। टू स्पीक लड्डू, टू स्पीक तक ही सिखाया था मैंने, कहा इसके ऊपर का कोई मतलब नहीं है कि 3 स्पीक 4 स्पीक। इस लड्डू की ट्रेनिंग हो गई है, ट्रेनिंग सेशन खत्म हो गया, उसको नीचे भी ले गए थे, तो उसकी जो रिकॉल वैल्यू है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं अभी, ताकि उसको बुलाएं तो वो क्विकली आ जाए। और यहाँ पे मानसी ने ये फिनिश कर लिया है, एंड इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। अपने से क्या मतलब है, मैं काम करती हूँ, मैं परफेक्शन के साथ करती हूँ, तो देखो चारों तरफ प्रॉपर कॉर्नर्स एकदम ओके हैं। हाँ क्योंकि मेरा मन ही नहीं होता ना ये सब सब मजदूरी वाले काम करने में। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक बाओ।
गाइस अब है सबसे मुश्किल काम, क्योंकि सामने वाली पूरी दीवार को करना है, इसके बाद इस वाली वॉल को करना है। हाफ ही वॉल है ये, और इसकी जो ऊपर वाली ये पट्टी है, बट इसके लिए ये पूरा सोफा वोफा हटेगा। और यहाँ देख सकते हो सोफा भी मैंने हटा दिया है, तो थोड़ा बहुत जो गंदगी है वो निकल आई, ये सब क्लीन करना पड़ेगी। और यहाँ पर मैंने ये सारा साइड में खिसका दिया है, और ऑलरेडी ना एक बज चुका है, तो मान के चलो कि चार बज जाएंगे, उसके बाद ही फिर हम लोग नहा धो पाएंगे, खाना पीना खा पाएंगे। आज का दिन तो गया पूरा भाई, मैं थक चुकी हूँ। ये वॉल मैंने पूरी लगा ली अकेले, और अभी ये भाई साहब लाइट हटा रहे हैं। तो हमारे घर में एक नए इलेक्ट्रीशियन आए हैं, सो बिजली का काम वो कर रहे हैं, फिर देखते क्या होता है। ये वॉल काफी सुंदर लग रही है, बट इसमें पता नहीं क्यों कलर इधर डार्क उधर पूरा लाइट से दिख रहा है। आई थिंक लाइट की वजह से ऐसा लग रहा है। अभी रात में ये अच्छा लगेगा। और मैं बहुत भयंकर थक चुकी हूँ, बहुत भयंकर। सो गाइस ऑलमोस्ट डन हो गया है कार्यक्रम, और ये थोड़ा सा यहाँ साइड में बचा हुआ है, और हमारा थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन हुआ है, तो ये नीचे भी रह गया है। तो अभी इसके लिए अलग से एक रोल मंगाना पड़ेगा, फिर ये कवर होगा। वैसे भी डाउन साइड का है, तो मोस्टली पार्ट तो इसका छिप जाएगा सोफे से। हाँ, और भाई 5 बज गया है, हम लोग लगे हुए हैं तभी से, ना हम लोगों ने खाना खाया है, नहाया धोया तो है ही नहीं वैसे भी, तो अभी पहले नहाएंगे फिर खाना खा पाएंगे। तो अभी मान के चलो कि 1.5-2 घंटा और लग जाएगा, क्योंकि अभी ये भी साइड में कंप्लीट होना है, उसके बाद ये सब सामान फैल गया है पूरे घर का, ये सब सही करना है, देन वी विल गो फॉर बाथ, उसके बाद खाना। 7 बजे तक खाना मिलेगा यार, बड़ा भूख भी लग रहा है, नाश्ता किए हैं बस, लड्डू खा पी के सो रहा है मजे से। लड्डू को क्या पड़ी है? सुबह से यहाँ पे चाय आ गई है, ठंड में भाई चाय का ही सहारा है, और इसके साथ खाएंगे हम टोस्ट, ताकि थोड़ी सी भूख कम हो जाए, क्योंकि अभी खाना यार थोड़ा सा टाइम है खाने में, और ये अभी फाइनल फिनिश देने में लगी हुई है, और मेजोरिटी ऑफ जो काम इन्होंने किया है ना फ्रंट से, वो इन्होंने किया है, मैंने बस सपोर्ट किया है, सामान इधर उधर खिसकाना देना करना, क्योंकि इनको ज़्यादा समझ है लगाने की करने की, हमारे घर के छोटे मोटे आर्किटेक्ट हैं ये। तो गाइस नहाते धोते ऑलमोस्ट 7:45 हो चुके हैं, और अभी तक खाना भी नहीं खाया है, लड्डू का मैंने खाना लगा दिया है। क्या कह रही हो? यस 7:45 लड्डू गए अपना खाना खाने। भाई लड्डू को तो टाइम पे खाना देना ही पड़ेगा, कोई खाए चाहे ना खाए। नहीं है मन क्या खाने का? लो भाई थोड़ा सा गर्म होगा, क्योंकि गर्म पानी मैंने भोगे हुआ था। कोई नहीं, वो 5-10 मिनट फिर खा लेगा अपने आप। थोड़ा सा ये डॉग फूड खाने में भी आजकल ड्रामेबाजी कर रहा है। इसमें मैंने मिक्स किया है वो, हाँ सुबह का थोड़ा सा मैंने बचा लिया था इसीलिए। अच्छा, तो उसको दिखा के मिक्स किया करो, ऐसे समझ में नहीं आता, बहुत चालू है वो, घंटे चालू। सो भाई अब बहुत तेज भूख लग रही है, केवल नाश्ता किया था सवेरे, उसके बाद अभी 1-1.5 घंटे पहले चाय पी थी, नाउ आई एम वेरी हंग्री, थोड़ा खाना खाते हैं। सो गाइस फाइनली खाने पे अभी बैठ पाए, और हमने तहरी बनवाई थी आज, और दोपहर की है ये। और अभी हमने बाहर से मतलब सोसाइटी में ही जो बनाते हैं, बहुत सही बनाते हैं, एकदम घर का खाना। हाँ, मटर पनीर मंगा लिया है, और एकदम घर जैसा बनता है, लो ऑयल होता है इसमें, क्योंकि सब्जी हमने कुछ बनवाई नहीं थी, और इसका टेस्ट भी कुछ खास हमें आ नहीं रहा था, तो अभी खाते हैं फटाफट। और लड्डू भी यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने अपना खाना तो खाया नहीं है। सो गाइस अब ब्लॉग को भी खत्म कर लेते हैं, मिलेंगे किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, संपर्क है, जय श्री राम।